गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, जिसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये स्पीड टाइम कर्व के बेसिस पर उसके एनर्जी आउटपुट को निकाल करके फिर उसके स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन को निकालते हैं। तो इसके निकालने से पहले आपको तीन चीज़ पता होना चाहिए, जिसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसका एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा छोटा सा उसका थ्योरी पार्ट है जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो मैंने दे रखा है पहले से नोट्स, उसमें आपको वहाँ पे मेंशन है, आप वहाँ से एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है जो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स यूज़ हो रहा है जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और ट्रेन का रेजिस्टिव फोर्स के इक्वल होता है, जिनका वैल्यू होता है 277.8 WE अल्फा, और ग्रेविटी फोर्स का होता है 98.1 WG और रेजिस्टिव फोर्स का होता है W×R। सेकेंड थिंग, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि टू पुल द ट्रेन, पुल करने के लिए आपको ये तीन फोर्स का जरूरत पड़ता है जिनका वैल्यू यहाँ पे सामने मेंशन है। सेकेंड थिंग है ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का फॉर्मूला, उसका होता है एनर्जी आउटपुट फॉर द रन इन वाट आवर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स इनटू डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर। और थर्ड थिंग है कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, तो स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट ऑफ ड्राइविंग व्हील्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मोटर एंड गियरिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, तो ये तीन चीज़ों को आपको नोट्स में दे दूंगा मैं और यहाँ पर इस्तेमाल कर रही कुछ इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको निकालना है तीन पार्ट इसके अंदर। पहले तो एनर्जी आउटपुट टू एक्सेलरेट द ट्रेन फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड Vm। आप अगर देख याद होगा आपको स्पीड टाइम कर्व, तो हमें जीरो से एक Vm स्पीड तक एक्सेलरेट करना होता था, ठीक है ना। तो वह उसमें करने में कितना एनर्जी आउटपुट हो रहा है। फिर फ्री रन वाला केस आता था कि आउटपुट तक आ गया, तब रनिंग पार्ट जो चल रहा है उसमें एनर्जी आउटपुट कितना आएगा। फिर इन दोनों को निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, और थर्ड काम है इसके अंदर करना है टोटल एनर्जी आउटपुट रनिंग करने में कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्ट से स्पीड Vm तक जाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ट्रैक्टिव फोर्स के अंदर वो तीनों आ गए, ठीक है, इंटू जो स्पीड तक वो रीच किया Vm इंटू टाइम। तो आपको याद होगा कि स्पीड टाइम कर्व के अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा होता है, तो उसको हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फार्मूला पे लगा रहे होते हैं। तो हाफ हो गया ये आपका हाइट हो गया Vm और FT और T1 हो गया उसका बेस, सॉरी हाइट, और ये हो गया बेस, बेस वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, रीज़न यही है कि आपको निकालना है एनर्जी, और एनर्जी निकालने में जो फोर्स लग रहा है, जो कि आपको तीनों फोर्स होता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है वहाँ पे, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, और ट्रेन का अपना जो रेजिस्टेंस होता है वह फोर्स लग रहा है। तो वो तीनों फोर्स लगने के बाद उस एरिया जो आपका निकल रहा है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, एरिया निकाल रहे हैं मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वह डिस्टेंस और वह फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला फोर्स के अलावा जो पार्ट बच गया वो आपका डिस्टेंस हो गया और ये फोर्स हो गया। तो फोर्स और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपका एनर्जी निकलेगा, ठीक है। और 3600 दोनों में डिवाइड किए क्योंकि ये आवर में बदल रहा है, हमें सेकेंड में दिया हुआ रहता है तो उसको आवर में बदलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स को भी आवर में, यहाँ पे भी जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसको भी आवर में रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइम को भी। तो अब आगे क्या कर रहे हैं, आप T1 का वैल्यू पुट कर दिए। T1 का वैल्यू आपको याद होगा कि Vm बाई अल्फा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे Vm बाई अल्फा पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या किया है कि आपको ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसका फार्मूला जो वैल्यू होता है उसको पुट कर दिए हैं। तो ट्रैक्टिव फोर्स के जगह पर आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स आता है जिसका वैल्यू होता है 277.8 WE अल्फा, ठीक है, प्लस FG 98.1 WG, ठीक है, वेट है ये जो आपका जी है वो ग्रेविटी की वजह से जो लग रहा वेट, W वेट है और R रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबको किलोवाट आवर में हम लोगों ने बदल रखा है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं कि रनिंग केस में जब स्पीड Vm पकड़ रखा है
अगेंस्ट ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस मोशन। तो इसके अंदर केवल दो ही तरह का आपको एक्सीलरेटिंग फोर्स नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि एक्सीलरेटिंग फोर्स तो आपको यहीं पे ज़रूरत पड़ता है स्टार्टिंग में। इस जगह पे आपको ग्रेडियंट या ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा और रेजिस्टिव वाला फोर्स लगेगा। तो दो ही फोर्स को यहाँ पे मेंशन करना है। इस जगह पे अट्रैक्टिव फोर्स एफ टी ना लिख करके एफ टी डैश लिखेंगे, ताकि दोनों में डिफरेंस पता रहे कि ये रनिंग कंडीशन का फोर्स है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि बेस इंटू हाइट करना होता है केवल, तो हाफ तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि वह हो जाता है एक आपका रेक्टेंगुलर पार्ट शेप हो जाता है। तो उसका एरिया निकालेंगे, दैट मीन्स की डिस्टेंस निकल जाएगा। उस डिस्टेंस को अट्रैक्टिव फोर्स से मल्टीप्लाई करते रहे तो एनर्जी निकल जा रहा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बेस इंटू हाइट करते हैं, तो वी एम इंटू टी टू हो जाता है। बेस होता है वी एम और टी टू हो जाता है उसका हाइट। तो इसको भी अट्रैक्टिव फोर्स को भी 3600 से डिवाइड करेंगे और टाइम को भी, ताकि आवर में आ जाए दोनों पार्ट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आपका एफ टी डैश है उसको रहने दिया, और यहाँ पर ध्यान से देखना कि एस डैश को हम लोगों ने क्या माना है, वी एम टी टू डिवाइडेड बाई 3600, यानी वी एम टी टू डिवाइडेड बाई 3600 पूरे को एस डैश मान लिया और 3600 एक बचा हुआ रह गया। ठीक है, इसमें प्रैक्टिव फोर्स जो है वह कौन कौन सा है, एक ग्रेडियंट वाला है और एक रजिस्टिव मोशन वाला है। तो डब्ल्यू इंटू आर हो गया, और जो कि रजिस्टिव मोशन वाला हो गया, और 98.1 जी और डब्ल्यू जी जो ग्रेडियंट वाला फोर्स हो गया। इन दोनों को हम लोग एफ टी डैश की जगह पे पुट कर दिए, अब बचा एस डैश डिवाइडेड बाई 3600 किलोवाट आवर। ठीक है, आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे कि थर्ड केस में हम दोनों में कितना एनर्जी आउटपुट हो रहा है रनिंग के लिए, उन दोनों को निकालेंगे। तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो देखिए, आप इक्वेशन नंबर 19 और ये 20 जो है उसको ऐड करेंगे, तो देखेंगे ध्यान से कि वी एम स्क्वायर बाई 3600 का होल स्क्वायर अल्फा है टू के साथ, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। इसके बाद पूरा ब्रैकेट वाला टर्म को लिख दिया, पूरा ब्रैकेट वाला टर्म को लिख दिया, प्लस ये पार्ट को ऐड करेंगे, ये पार्ट लिख दिया यहाँ पर, और लास्ट में ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये जो किलो वाट आवर है ना, तो किलो को हम लोगों को यहाँ, ये भी किलो वाट आवर में, ये भी किलो वाट आवर में, उसको वाट आवर में करना है। तो किलो को हटाएंगे तो यहाँ पर भी 1000 मल्टीप्लाई होगा, और प्लस से पहले यहाँ पर भी 1000 मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट में भी। तो देखिए, इस पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 1000 से, और इस पार्ट के लिए भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। ठीक है, वाट आवर में हो गया ये कन्वर्ट। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ओपन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप, वी एम स्क्वायर इंटू 1000 बाई 2 अल्फा प्लस इंटू 3600 का होल स्क्वायर, ये पार्ट हो गया, इंटू 277.8 डब्ल्यू ई जी अल्फा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस अब इस पार्ट पूरे पार्ट को ये दोनों पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ, मतलब ये दोनों ब्रैकेट में ही रहेगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि बाद में चल करके ना इसके साथ कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इजी होगा आगे कैलकुलेशन करने में, इस वजह से हम लोग उसको वैसे ही रहने देंगे। तो देखिए, ये पार्ट को लिख दिया और ब्रैकेट में ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई के रूप में है। नेक्स्ट वाले में ये जो है इसको हम लोगों ने जैसा था वैसा ही रहने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे कि ये 2 3600 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर 1000 इंटू 277.8 को मल्टीप्लाई कर दें और इसका डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट आता है 0.01072 वी एम स्क्वायर, जो बच गया वी एम स्क्वायर डब्ल्यू ई, अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया इसको सॉल्व करने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या किए कि 98.1 डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिए। अब बच गया अंदर का ये पार्ट, और ये पार्ट जब बच रहा है तो आप देखोगे कि 1600 भी दोनों में है, तो उसको भी कॉमन ले लिया। तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और इस वाले केस में यहाँ पर केवल एस डैश बचेगा, तो एस डैश लिख दिए। तो मतलब कि ये पार्ट पूरा कॉमन है, और 1000 बाई 3600 भी कॉमन है। जो बच गया यानी वी एम स्क्वायर बाई 2 अल्फा इंटू 3600 एक प्लस ये एस डैश बच गया, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं ना कि आप अगर ध्यान से देखो, ये पार्ट तो जैसा था वैसा का वैसा उतार दिया। नेक्स्ट वाले केस में ये पूरे टर्म को एस डैश से पहले वाले को एस डबल डैश मान लिया, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सेलरेटिंग पीरियड का है, और एस डैश क्या है, रनिंग पीरियड का है। ठीक है, तो ये पूरे वाले पार्ट को हम लोगों ने एस डबल डैश मान लिया, और जो बच गया यानी कि 1000 बाई 3600 इंटू 98.1 डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर, ये पार्ट तो कॉमन जो था सो था ही, यहाँ पे एस डबल डैश मान लिया प्लस एस डैश। ठीक है, जो कि एस डैश है रनिंग ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेटिंग पीरियड, और एस वन है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग एक्सीलरेटिंग, एंड एस डैश है फ्री रनिंग टाइम वाला। ठीक है ना,
तो नेक्स्ट केस में ना हम लोग ये जो है एस डबल डैश और एस डैश इन दोनों के जगह पे एक टर्म यूज कर रहे हैं एस वन, ठीक है, जो कि उन दोनों का समेशन है, मतलब कि एक्सेलरेटिंग पीरियड भी उसके अंदर है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और फ्री रन के लिए भी है। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में होता भी है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया एक साथ मान लिया तो एस वन कह लिया, बाकी सारा टर्म वैसा का वैसा आपने उतार दिया और ये वाले को यहाँ पर जरा सॉल्व कर लिए हैं। ये जो वैल्यू था 1000/3600 इनको जब डिवाइड करेंगे तो 0.277, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया इसको, इसके बाद सारा वैल्यू। नेक्स्ट हमको स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है एनर्जी आउटपुट फॉर द रन इन वाट आवर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ट्रेन इन टन इनटू डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर होगा। तो एनर्जी आउटपुट जो निकाले हैं आप ये वाला वही तो बात है ना जो रनिंग के दौरान आप निकाल रहे हैं, टोटल रन के दौरान जो निकाल रहे हैं वाट आवर में भी कन्वर्ट किया हुआ उस वैल्यू को जो ऊपर निकाले उसको रख देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई वेट को W से रिप्रेजेंट करते ही हैं और आपका जो डिस्टेंस है उसको S से करते ही हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो W और S है वो दोनों में प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी अलग अलग पुट करके जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। जैसे प्लस से पहले W और S को पुट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ई और W मल्टीप्लाई में ही है, एक साथ लिख दिए और S को यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, W और S डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट में 0.2778 है तो यहाँ पे तो ये कुछ डिवाइड कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा कि आप ध्यान से देखेंगे 0.2778 है उसके साथ S1 है, S1 के साथ S डिवाइड कर दिए, W वाला पार्ट बचा हुआ जो कि W यहाँ पे जा करके ये अंदर में भी दो जगह जाएगा क्योंकि प्लस है, ये W W कैंसिल कर देगा और ये W W कैंसिल कर देगा, तो बचेगा G और केवल R, 98.G+R, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया जा रहा है कि अगर ट्रैक लेवल 1 हो तो जो जी होगा उसका वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल इक्वल सरफेस में आ जाएगा तो जी कुछ बचेगा ना, ग्रेडिएंट कुछ बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा। तब स्पेसिफिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जी का वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो जो रिजल्ट बचेगा ये वाला, ये उतर जाएगा, ये रह जाएगा और यहाँ पर आपका जी का पार्ट नहीं रह करके केवल आर वाला पार्ट रह जाएगा। तो ये एक फाइनलाइज्ड कर सकते हैं आपका ये आंसर निकल गया एनर्जी आउटपुट का, आपका कंजप्शन अभी नहीं निकला है, एनर्जी आउटपुट निकला है। कंजप्शन निकालने के लिए एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, यही तो होता है स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट एट ड्राइविंग व्हील्स, या सिंपल कर सकते हैं एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मोटर और गियरिंग जो यूज़ हो रहा है, तो आउटपुट बाई एफिशिएंसी इक्वल टू कंजप्शन होता है। तो एफिशिएंसी को हम लोग मेंशन करते हैं ईटा से, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, चूँकि प्लस से सेपरेट है दो पार्ट तो दोनों जगह एफिशिएंसी को डिवाइड करते हुए दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने दिखा दिया और यहाँ पे भी दिखा दिया, बाकी सारा टर्म यही वाला है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर एनर्जी कंजप्शन का। आई होप आपको ये समझ में आया हो, तो आप इसको समझ लेकर एक बार नोट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।